दोस्तों, पूरी दुनिया में उड़ने वाले लगभग सभी पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को सिर्फ दो ही कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, और इन कंपनीज का नाम है बोइंग और एयरबस। इन दोनों के अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी और बड़ा प्लेयर नहीं जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता हो। वैसे तो साल 1980 में हमारे देश भारत में भी प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक हमारा देश ऐसा कोई बड़ा पैसेंजर प्लेन नहीं बना पाया है, और एयरक्राफ्ट मार्केट्स की इस ड्यूपोली के अंदर 1% हिस्सा भी एक्वायर नहीं कर पाया है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कोई भी और प्लेयर ये प्लेन्स बना नहीं पाता, और क्या भविष्य में हमारा इंडिया इस मार्केट में ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, इंडिया में 80 के दशक से ही छोटे एयरक्राफ्ट बनते रहे हैं, और यहाँ पर ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो छोटे हेलीकॉप्टर्स या फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाती हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि लगभग 40 सालों से एयरक्राफ्ट बनाने वाली ये कंपनी आज तक कोई बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्यों नहीं बना पाई। अब दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश के अंदर रिसोर्सेज या फिर टैलेंट की कमी हो। देश के बेहतरीन डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत एविएशन मार्केट की है, जिसे आज की डेट में किसी एक कार्टल ग्रुप की तरह चलाया जाता है। आपको बता दें कि बोइंग और एयरबस ने एविएशन मार्केट के 99% हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, जहां पर बाहर वालों को एंट्री तक नहीं मिलती। और परेशानी की बात ये है कि इंडिया भी उन बाहरी लोगों में ही आता है जिन्हें इस ग्रुप के अंदर एंट्री नहीं दी जाती। चलिए दोस्तों, अब ये समझते हैं कि आखिर ये ग्रुप बना कैसे और कैसे शुरुआत हुई एयरबस और बोइंग की इस डुओपोली की। तो बता दें कि ये बात 1916 की है, जब अमेरिका में रहने वाले लकड़ी के एक व्यापारी विलियम एडवर्ड बोइंग ने एक एरो प्रोडक्ट कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने बोइंग रखा। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर कॉनराड के साथ मिलकर एक 2-सीटर सी प्लेन बनाया, जो समुद्र की सतह से ही टेक ऑफ और उसी पर लैंड कर सकता था। फिर 1917 में उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान नेवी ऑफिसर्स के लिए फ्लाइंग बोट बनाना शुरू किया, जो कि स्पेशली वॉर के लिए ही डिजाइन की गई थी। और कुछ इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी बोइंग ने जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट जैसी कई चीजें बनाई। इन सबको देखते हुए उस दौरान अमेरिकी सरकार ने इस कंपनी को $100 बिलियन की फंडिंग दी, और इस तरह से वॉर खत्म होते होते सरकार और बोइंग के बीच की ये पार्टनरशिप काफी गहरी होती गई। इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो गई कि आप ये भी कह सकते हैं कि बोइंग डायरेक्टली सरकार का भागीदार बन गया था। जिस समय बोइंग अपनी सक्सेस को देख रहा था, उस समय यूरोप के कई सारे देश अपनी छोटी छोटी एविएशन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भी वॉर्स के लिए एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, और वो वक्त वक्त पर छोटे मोटे इनोवेशन भी करते रहते। लेकिन दोस्तों, इनमें से कोई भी कंपनी बोइंग कंपनी जितने बड़े एयरक्राफ्ट नहीं बना पाई। साथ ही उस समय तक बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी, क्योंकि इस कंपनी को अमेरिकी सरकार से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। ऐसे में इसे यूरोप की कंपनीज चाहकर भी टक्कर नहीं दे पाती, इसीलिए यूरोप की एविएशन कंपनीज ने भी अपनी अपनी सरकारों से मदद मांगना शुरू कर दिया, ताकि वो बोइंग से मिल रहे कॉम्पिटिशन का मुकाबला कर सके। और फिर आखिरकार जर्मनी, फ्रांस और यूके ने ये डिसाइड किया कि वो अपने देशों की 3 छोटी एविएशन कंपनीज को मिलाकर एक बड़ी स्ट्रांग एविएशन एंटिटी बनाएंगे और इस मार्केट में एंट्री लेंगे। और दोस्तों, यहीं से नींव पड़ी एयरबस की। एयरबस और बोइंग ये दोनों ही ऐसी कंपनीज हैं जो आज दुनिया में मौजूद हैं, जिनके सरकारों के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग टाइज हैं, और इन कंपनीज को बहुत बड़े स्केल पर पैसा और रिसोर्सेज दोनों मिलता है। आपको बता दें कि आज के दौर में भी बोइंग यूएसए का सेकेंड बिगेस्ट लॉबिंग एजेंट है, और हर साल यूएस के अंदर ये लगभग $230 मिलियन की लॉबिंग करता है। अब दोस्तों, अगर आप लॉबिंग का मतलब नहीं जानते, तो इसका मतलब ये होता है कि अपने हिसाब से कानून और पार्लियामेंट के डिसीजंस को चेंज करने के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज को लुभाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करना। आपको बता दें कि यूएसए जैसे देश में लॉबिंग को लीगल माना जाता है। अब दोस्तों, ये कंपनीज अपनी सरकारों के साथ टाइज का इस्तेमाल न सिर्फ इंडिया, लेकिन दुनिया भर के कई देशों और उनकी एविएशन कंपनीज को दबाने के लिए भी करती है। ये किसी भी नए प्लेयर को मार्केट में एंट्री करने से रोकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके उन तरीकों के बारे में जिनसे ये कंपनीज बाकी की कंपनीज को एविएशन मार्केट में एंट्री नहीं करने देती। पहला है प्लेन डेवलपमेंट कॉस्ट। अब दोस्तों, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि प्लेन बनाना कोई सस्ता काम नहीं, लेकिन स्पेशली अगर हम पैसेंजर सेगमेंट्स के प्लेन की बात करें, तो इन जेटलाइनर्स को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। आपको बता दें कि एक एवरेज प्लेन को बनाने के लिए लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट आती है। वहीं अगर हम सबसे मॉडर्न 838 ड्रीमलाइनर जैसे प्लेन्स की बात करें, तो इनके डेवलपमेंट में $20 बिलियन से भी ऊपर की स्पेंडिंग हुई है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन और प्लेन की डेवलपमेंट कॉस्ट है। इसके बाद में टेस्टिंग, अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बनाना, टेक्नोलॉजीज का रिसोर्स
एलोकेशन करना। इन सब को मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक प्लेन को जीरो से लेकर कमर्शियली अवेलेबल बनाने तक किसी भी कंपनी को 30 से 35 बिलियन डॉलर्स की रकम खर्च करनी पड़ती है और कई बार कुछ फैक्टर्स की वजह से ये कॉस्ट बढ़ भी सकती है। वही दोस्तों, इसका दूसरा कारण है ये ग्रुप। जी हाँ, एयरबस और इससे भी ज्यादा बोइंग, इन दोनों कंपनीज के पास अपनी अपनी सरकारें पॉकेट में है और यहाँ तक कि इन कंपनीज के पास एविएशन गाइडलाइंस और प्लेन्स की क्वालिटी को चेक करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और EASA यानी कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी का भी पूरा सपोर्ट हासिल है। इसीलिए वो इनका इस्तेमाल करते हुए जब चाहे कई सारी रिस्ट्रिक्शंस और कानूनों को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एविएशन पॉलिसीज बनाने वाली इन बॉडीज का डोमिनेंस पूरी दुनिया में है। इनफैक्ट अगर हम कुछ बड़े देश जैसे इंडिया, चाइना या रशिया को छोड़ दें तो इनके अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं वो FAA या फिर EASA के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ही मानते हैं। ऐसे में अगर FAA ने कह दिया कि ये प्लेन सेफ नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ USA के अंदर की कंपनीज ही उसे इस्तेमाल करना बंद करेंगी, बल्कि दुनिया भर में इसका स्नोबॉल इफेक्ट होगा। सेम चीज यूरोपियन यूनियन के साथ भी है। अगर वो किसी भी रीजन के कारण किसी कंपनी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है तो कई सारी छोटी छोटी कंपनीज जिनके खुद के ऐसे डिपार्टमेंट्स नहीं होते वो उनके रूल्स को मानने लगते हैं और एक दो देशों के विवाद के कारण लगभग सभी कंट्रीज को उन नियमों और डिसीजंस को फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी समझ सकते हैं कि इन सरकारों का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा स्ट्रांग है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से इन दोनों कंपनीज ने एक कार्टल बनके पास्ट में अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स को फेल कर दिया। अब दोस्तों पहले के दिनों में छोटे रूट्स पर छोटे प्लेन उड़ाना अनप्रॉफिटेबल था क्योंकि जो छोटे एयरक्राफ्ट होते थे वो बड़े एयरक्राफ्ट जितने एफिशिएंट नहीं होते। इसीलिए बोइंग और एयरबस इन दोनों ही कंपनीज ने छोटे प्लेन्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बॉम्बार्डियर जो एक कैनेडियन कंपनी थी वो पहले ट्रेन्स और फिर छोटे प्लेन्स वगैरह बनाने लगे। उन्होंने वक्त के साथ ये बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि छोटे प्लेन्स का मार्केट तभी बढ़ेगा अगर उनके इंजन की एफिशिएंसी अच्छी होगी। इसी तर्ज पर उन्होंने छोटे प्लेन्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। जब बॉम्बार्डियर ने अपने प्लेन्स डेवलप किए तब मार्केट में ऐसे कई लोग थे जिन्हें ऐसे छोटे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी और तब इस कंपनी को कई ऑर्डर्स भी मिलने लगे। ऐसे में जल्द ही बोइंग और एयरबस को समझ आ गया कि ये नया मार्केट सेगमेंट खुल गया है और उसके अंदर उनका एक कॉम्पिटिटर सारा मार्केट शेयर ले लेगा। इसीलिए बोइंग ने US गवर्नमेंट से कहा कि बॉम्बार्डियर प्रेडेटरी प्राइसिंग का इस्तेमाल कर रहा है यानी कि अपने प्लेन्स को कुछ ज्यादा ही सस्ती कीमत पर लोगों को बेच रहा है ताकि वो मार्केट पोजीशन एक्वायर कर ले और ये पूरी तरह से इलीगल है। दोस्तों यही वजह रही कि US गवर्नमेंट ने बॉम्बार्डियर पर 80% इम्पोर्ट टैक्स लगाने की बजाय 300% का इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया जिसके कारण बॉम्बार्डियर ने जितने पैसे डेवलपमेंट में लगाए थे वो सारा पैसा वेस्ट हो गया। ऑर्डर्स आना कम हो गए और ये कंपनी ऑलमोस्ट डूबने की कगार पर आ गई। लेकिन इसी दौरान एयरबस ने इस प्रोजेक्ट के अंदर 51% स्टेक्स को खरीद लिया और बाद में नॉमिनल मैन्युफैक्चरिंग US में ही शुरू करते हुए उन्होंने इस सीरीज को बचा लिया। इस तरह से बॉम्बार्डियर का ये प्रोजेक्ट तो बच गया लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से डुओपोली वाली इन कंपनीज में से एक के हाथ चला गया और इस तरह मार्केट में जो एक नया प्लेयर आने वाला था वो मार्केट में एंट्री ही नहीं कर सका। वही दोस्तों इसका एक और एग्जांपल हमें चाइना की कोमैक कंपनी के साथ देखने को मिला। इस कंपनी ने दो पैसेंजर जेट्स बनाए थे। 10 साल से भी ज्यादा की डेवलपमेंट में इन प्लेन्स को काफी ज्यादा टेस्ट किया गया, इन्हें कई रूट्स पर चलाया गया और इनसे काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला। लेकिन फिर कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ने इन प्लेन्स की सेफ्टी पर सवाल उठाए जिसकी वजह से 7 साल के कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेशंस होने के बावजूद आज तक ये कंपनी सिर्फ 20 ही प्लेन्स बेच पाई है और वो भी सिर्फ कुछ चाइना की ही सरकारी एयरलाइंस को। जानकारी के लिए बता दें कि FAA और यूरोपियन यूनियन ने कई बार इस प्लेन को रेगुलेशंस पास होने से रोका है जिस कारण इंटरनेशनल मार्केट में ये कंपनी अपने प्लेन्स नहीं बेच पाए। वहीं अगर हम एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो बोइंग एयरबस के प्लेन्स में और इस कोमैक कंपनी के प्लेन्स में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। लेकिन दोस्तों पैसे और पावर के इस खेल में एविएशन मार्केट में कोई भी और कंपनी फ्यूचर में उठ पाएगी ऐसा लगता नहीं। खैर दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में ऐसी कोई कंपनी आएगी जो एयरबस और बोइंग को टक्कर दे पाएगी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।